रास्ता वाला रोड बना हुआ अभी तक अमौनत है, लेकिन पीटीसी ढलाए अलकतरा वाला रोड 5-5 साल में योजना आता है, फंड आता है, कई बार रिपेयर करता है, फिर भी वो काबू नहीं आता है। हालांकि इस रोड को लेकर कई बार संसद तक बात गई है कि आखिर यहाँ पर क्यों नहीं बन रही है। इस रोड पर एक्सीडेंट होने के 90% चांस बनी हुई रहती है, क्योंकि ये पर इस पर बाइक खास करके ज्यादा स्लिप करता है। स्लिप होने के कारण से इस रोड से कुछ व्यक्ति नाराज है तो कुछ व्यक्ति खुश है। खुश इसलिए है कि यहाँ पर रोड बनता नहीं है और यहाँ की जो ट्रैफिक है थोड़ा सा धीरे चलता है, वाहन टोटो गाड़ी जो भी है यहाँ पर धीरे चलता है। यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों का कहना है अगर यहाँ पर अलकतरा वाला रोड पीछे से ढलाई वाला बनेगा तो यहाँ पर गाड़ी की वाहन की रफ्तार काफी बढ़ जाएगा। ये तो बात सही है, लेकिन इस रोड पर एक्सीडेंट ना जाने कितने बार होता होगा, कितना कैसे कहाँ तक पहुँची है। लेकिन यहाँ का स्थानीय व्यक्तियों में कुछ कमी है जो कि ये रोड नहीं बनता है, नहीं बनने देता है। और यहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति है ये सब का पानी की जो बहाव है, अपना घर की जो पानी होता है नल टंकी चापाकल का बहाने की साधन नहीं है, जिसके कारण से यहाँ के स्थानीय व्यक्ति रोडों पर पानी बहाता है। बताइए ये बैसाख का सीजन आ गया है, ये तो बारिश का पानी नहीं है, मौसम लगातार ठीक चल रही है एक सप्ताह से। देखिए पानी 2400 घंटा यानी 365 दिन पानी इसी तरह बझा रहता है। पानी की वजह से कुछ रोड टूटकर बर्बाद हुआ है। और बात रहा इलाहाबाद बैंक के सामने जो थोड़ा सा ढलैया हुआ है, यहाँ पर बैंक मैनेजर का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण से ये अपने बैंक अपने फंडों के मुताबिक से यहाँ पर रोड बनवाया है। यही ना अंकल, देखिए ये बारिश नहीं पड़ रहा है, ये चापाकल का पानी बहाव किया जाता है और यहाँ के स्थानीय व्यक्ति ने ये रोड बनने तक नहीं देता है, इतना ये सबको एलर्जी है इस रोड से। देखिए घर से एकदम लग रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को वो पानी बह रहा है। एक्सीडेंट कब होता है, जब धूल उड़ता है और ड्राइवर को सही रूप से उस वस्तु पर फोकस नहीं पड़ता है तब एक्सीडेंट होता है। कुछ ऐसा स्थिति आता है कि अधिक गड्ढा के कारण से ड्राइवर की सतर्कता के रहने के बावजूद भी गाड़ी पलटी कर देता है। देखिए रोड पर मसाला बनाने का है, ये तो रोड पर वाहन चलने का है तो ये क्या अतिक्रमण करके रखा है, ये सब को कोई कहने वाला नहीं है, जिसके कारण से NH-80 राष्ट्र राजमार्ग का ये हालत है। देखिए हर घर से इसी तरह नाला की बहाव NH-80 राष्ट्र राजमार्ग पर बहाव है।